उधारी के पैसे न लौटाने पड़े, इसके लिए एक व्यक्ति ने रच डाली 2 लाख रुपए छिनैती हो जाने की कहानी। मामला थाना क्षेत्र हलियापुर का है, जहां आज थाना समाधान दिवस का मौका मुआयना करने बल्दी राय पुलिस क्षेत्राधिकारी राजा राम चौधरी थाना हलियापुर पहुंचे थे। तभी एक व्यक्ति ने सूचना दी कि 2 अज्ञात व्यक्ति मेरी बाइक की डिग्गी में रखे 2 लाख रुपए की छिनैती कर भाग निकले हैं। सूचना पर क्षेत्राधिकारी बगैर समय गंवाए एक्शन में आ गए और घटना स्थल पहुँच छानबीन शुरू की, तो घटना झूठी निकली। क्या थी छिनैती की पूरी कहानी, सुनिए पुलिस क्षेत्राधिकारी राजा राम चौधरी की जुबानी। राकेश विश्वकर्मा सनात बाबूलाल विश्वकर्मा, उम्र 38 वर्ष, निवासी देहली बाजार थाना बल्दी राय जनपद सुल्तानपुर का मूल निवासी है। वर्तमान समय पर विवेक नगर सुल्तानपुर में साबिर अली के मकान में किराए पर रह रहा है। आज दिनांक 8/10/2022 को समय लगभग 12 बजे इनके द्वारा डायल 112 नंबर को सूचना दी गई कि मैं सुल्तानपुर से और अमानीगंज जा रहा था, तो हलियापुर हाईवे से अमानीगंज रोड पर लगभग 1 किलोमीटर पर 2 मोटरसाइकिल सवार मेरी मोटरसाइकिल को ओवरटेक करके रोक लिया और रोक करके मुझे मारे पीटे और मेरी मोटरसाइकिल की डिग्गी से मैं रखे 2 लाख रुपए निकालकर भाग गए। इस सूचना पर मैं क्षेत्राधिकारी बल्दी राय SHO हलियापुर, मैं पुलिस फोर्स के घटनास्थल पर गए, इनको लेकर के थाना हलियापुर आए। थाने में इनसे कड़ी पूछताछ जब की गई तो इन्होंने कहा कि मैं अमानीगंज के सर्वजीत सिंह टीचर से 1 लाख रुपए उधार लिया था, मेरे पास वर्तमान में देने के लिए पैसे उपलब्ध नहीं थे, इसलिए मैं ये सूचना समय टालने के लिए लूट की झूठी सूचना दिया है। और इन्होंने ये भी बताया था कि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज गौरीगंज में इंटर कॉलेज का अध्यापक हूँ, ये भी इन्होंने झूठी बात बताई है। इन्होंने झूठी सूचना देने का जुर्म कबूल कर लिया है।